हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने 32 फीट बाई 42 फीट प्लॉट के ऊपर 4 BHK का ड्राइंग क्रिएट किया है और ये प्लान नॉर्थ फेसिंग है। इसका मतलब आपका रोड नॉर्थ दिशा में रहेगा, यानी यहाँ पर देख लेते हैं हमारा ड्राइंग। इस ड्राइंग में आपका मेन एंट्रेंस इस टायर के नीचे से होगा। इस डोर का साइज रहेगा 4 फीट। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको जो स्पेस दिख रहा है इसे स्टेयर का सेपरेशन कहते हैं। इसके रहने से आप अपने ग्राउंड फ्लोर को रेंट पर दे सकेंगे। आगे आते ही हमें दूसरा डोर मिलेगा। इस डोर का साइज रहेगा 3.5 फीट। अंदर आते ही आपको बड़ा सा ड्राइंग रूम मिलेगा। इस ड्राइंग रूम का डायमेंशन है 25 फीट 4 इंच बाय 10 फीट 10 इंच। इस ड्राइंग रूम के बाईं तरफ मैंने सीटिंग एरिया प्रोवाइड किया जो 5 यूज़र रहेगा, और सीटिंग एरिया के सामने ही मैंने टीवी यूनिट को रखा। और इस ड्राइंग रूम के बाईं तरफ हमारा डाइनिंग एरिया है। अब देखते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। ये रहा आपका फर्स्ट बेडरूम। इस बेडरूम का साइज़ है 11 फीट 4 इंच बाय 13 फीट 2 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो प्रोवाइड किए जो 5 फीट का रहेगा, और एक अटैच टॉयलेट भी मैंने इस बेडरूम के साथ दिए जिसका साइज़ रहेगा 3 फीट 3 इंच बाय 7 फीट। और इस टॉयलेट में एक वेंटिलेटर भी होगा जो 2 फीट का रहेगा। अभी इस टॉयलेट से और बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका सेकेंड बेडरूम। आपका सेकेंड बेडरूम यहाँ से जाते हुए यहाँ पर है। इस बेडरूम का साइज रहेगा 9 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 4 इंच। इस बेडरूम में भी मैंने 2 विंडो प्रोवाइड किए जो 5 फीट का रहेगा। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आपका थर्ड बेडरूम आपको इस बेडरूम के ऑपोजिट में ही मिल जाएगा। इस बेडरूम का साइज रहेगा 12 फीट बाय 12 फीट 10 इंच। इस बेडरूम में मैंने 2 विंडो प्रोवाइड किए जो एक 5 फीट का रहेगा और एक 2 फीट का रहेगा जो डोर के साथ सेटिंग होगा। और इस बेडरूम के साथ मैंने एक पोर्च की भी क्रिएट किया जिसका वाइड रहेगा 5 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर आते आते थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देखते हैं आपका फोर्थ बेडरूम, यानी आपका लास्ट बेडरूम। आपका लास्ट बेडरूम यहाँ से जाते हुए यहाँ पर मिल जाएगा। इस बेडरूम का साइज रहेगा 12 फीट बाय 12 फीट 10 इंच। इस बेडरूम में मैंने एक विंडो प्रोवाइड किया जो 5 फीट का रहेगा, और इस बेडरूम के साथ मैंने एक पोर्च क्रिएट किया जिसका वाइड रहेगा 5 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी इस बेडरूम से बाहर आते हैं और देख लेते हैं आपका किचन। आपका किचन इस बेडरूम से बाहर आते ही बाईं तरफ मिल जाएगा। इस किचन का डायमेंशन है 5 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 10 इंच। इस किचन में मैंने एक विंडो रखा जिसका साइज रहेगा 3 फीट, और यह है आपका बेसिन। किचन के बाहर ही आपको बाईं तरफ डाइनिंग एरिया मिल जाता है जो इस किचन के बहुत ही नज़दीक है। इस ड्राइंग रूम में मैंने एक बेसिन क्रिएट की है जो यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर बेसिन रहने से आप इस बेसिन को डाइनिंग एरिया से और सीटिंग एरिया से यूज़ कर सकेंगे। अब देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। इस बेसिन के पास ही आपको मिल जाएगा आपका कॉमन टॉयलेट जो बाहर से दिखाई नहीं देगा। ये डोर रहेगा 2.5 फीट का, और इस कॉमन टॉयलेट का साइज रहेगा 4 फीट बाय 9 फीट 10 इंच। अब इस कॉमन टॉयलेट से बाहर आते हैं और देख लेते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का आप यहाँ से होगा। इस घर का हाइट जानने के लिए राइजर को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 × 2 = 22। 22 का मतलब आपके फर्श से रूफ के टॉप लेवल तक 11 फीट है। ये फर्स्ट राइजर आपका यहाँ से 3 फीट 3 इंच के बाद स्टार्ट होगा, और यहाँ से भी ये 3 फीट 3 इंच है। इस टायर के बाहर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ये 2 फीट का रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैंने कुछ डिज़ाइन क्रिएट की है जो आप कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो यहाँ पर एक राउंड कॉलम प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर भी एक राउंड कॉलम प्रोवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो आपने देख लिया 32 फीट बाय 42 फीट प्लॉट के ऊपर मैंने कैसे 4 BHK का प्लान क्रिएट किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।